वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि LSG टीम और RCB टीम से एक ट्रेड की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी टीम के फैन है तो उस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, LSG टीम ने डिमांड किया कि आप अपनी टीम में से हमें टॉम करन को ट्रेड कर दीजिए, बदले में हमारी टीम से आप काइल मायर्स को ट्रेड कर लीजिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टॉम करन बेकार प्लेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने देखा होगा उनकी अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस जो लास्ट के 1.5 साल या 2 साल में निकल के आई है, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी कि देखा जाए सैम करन से भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकल के आई है। वहीं पे देखा जाए LSG टीम ने कहा है कि आप हमसे काइल मायर्स को ले लीजिए, और वहीं पे देखिए RCB टीम ने कह दिया है कि देखिए काइल मायर्स को अगर हम ट्रेड भी कर लेते हैं अपनी टीम में तो भी हम उन्हें अपनी टीम में नहीं खिला पाएंगे। देखिए, क्योंकि काइल मायर्स खेलते हैं टॉप ऑर्डर में, टॉप 3 में वो बैटिंग करना पसंद करते हैं, और मेरे हिसाब से 1 या 2 ओवर वो आपको फास्ट बॉलिंग के दे सकते हैं। लेकिन जो कोच है एंड्री फ्लावर, उन्होंने कहा है कि देखिए हम उन्हें खिला नहीं पाएंगे तो हम ऐसे प्लेयर को क्यों ही अपनी टीम में रखेंगे जो हमारी प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बना सकता। यानी कि देखिए काइल मायर्स खेलेंगे कहाँ, टॉप 4 में या फिर टॉप 3 में, और टॉप 3 RCB टीम का लॉक है मेरे हिसाब से, तो आप वहाँ पे खिला नहीं पाओगे। तो काइल मायर्स को एज आप बेंच पे बैठाओगे और वहीं पे आप अपनी टीम में से देखा है टॉम करन को दोगे, क्योंकि देखिए टॉम करन अच्छे खासे पोटेंशियल के प्लेयर हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लो ऑर्डर में आके अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। और वहीं पे RCB टीम ने उन्हें खरीदा इसलिए था क्योंकि उन्हें कैमरन गेल की एज अ रिप्लेसमेंट अपनी टीम में शामिल किया था, एज अ बैकअप के तौर पर। क्योंकि देखिए टूर्नामेंट बहुत बड़ा होता है IPL का, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो वहाँ पर देखा जाए 1-2 मैच में अगर रेस्ट दिया जाता है तो उनकी जगह पर देखा है विल जैक्स या फिर टॉम करन आप लोगों को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, और RCB ने देखा जाए इस ट्रेड को मना कर दिया कि हमें ये ट्रेड नहीं करनी है, ना ही हमें देखा जाए काइल मायर्स की जरूरत है और ना ही हमें टॉम करन को ट्रेड करना है। तो ये सारी की सारी जो है ट्रेड की अपडेट निकल के आ रही थी, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताइए, क्या RCB को काइल मायर्स को ट्रेड करना चाहिए था या फिर टॉम करन को LSG टीम में ट्रेड करना चाहिए था? आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो।